नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में दो सिख लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने जैसे मामले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी आए हैं। यहां एक सिख लड़की को डरा धमका कर उसका धर्मांतर करा दिया गया और निकाह भी पढ़वा दिया गया। मामला संज्ञान में आते ही योगी सरकार ने लव जिहादी को गिरफ्तार करवा जेल भिजवा दिया गया है। इस इंसाफ से परिवार और सिख समाज के लोगों में बहुत खुशी है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 की धारा 3 और 5(1) के तहत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इन दो आरोपियों में से पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस उस्मान का भाई नदीम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन दोनों के खिलाफ अमनदीप कौर नाम की युवती ने मामला दर्ज कराया था। अमनदीप का आरोप है ये भी है कि जब उसने अपने पैसे आरोपी उस्मान से मांगे और दूसरी शादी के बारे में पूछा तो उसके भाई नदीम ने उसके साथ मारपीट करी। इस घटना को लेकर सिख समाज में जबरदस्त गुस्सा था, परंतु योगी सरकार की तरफ से हुई त्वरित कार्रवाई से समाज के लोग योगी सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।